इनकी पावर तब तक है, और ये बात ये अच्छे से जानते हैं, इनकी पावर तब तक है जब तक ये आपको वहीं रहने देंगे जहाँ पे आप हैं, वरना फिर लड़ाई का मुद्दा ही खत्म। जो भीम आर्मी चीफ हैं, रावण नाम है उनका, चंद्रशेखर रावण, उनके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज हो गई है NCW के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। अब क्यों हुई है, जाहिर सी बात है ये लोग तभी इंटरवीन करते हैं जब कोई महिलाओं पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है। अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता है तो मैं इनके सारे ट्वीट्स लाइन से दिखाना चाहता हूँ। हालांकि कहा जाता है कि ये ट्वीट्स हटा दिए गए थे, और बात यह है कि जब लोग दलित लीडर बनने की कोशिश करते हैं तो क्यों, अगर आप एक पक्ष के लीडर हैं तो दूसरे पक्ष को डेस्परेटली जलील करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि हम दलितों के लीडर हैं, तो अगर आप दलितों के लीडर हैं तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या किया, आप हिसाब किताब दीजिए। आपने उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया, क्या आप उनको हमेशा मेन स्ट्रीम से दूर रखेंगे, क्या आप उनको हमेशा दलित का दलित ही बने रहने देंगे? क्योंकि दलित होना जन्म से दलित होना नहीं होता, ब्राह्मण होना जन्म से ब्राह्मण होना नहीं होता, कुछ भी कोई भी कास्ट सिस्टम जन्म से नहीं था। जैसे आपको किसी कंपनी में पोस्ट मिलता है और प्रमोशन होते होते आप CEO भी बन जाते हैं, उसी तरीके से आप दलित हैं, आपका वो काम है, आप कुछ और काम करिए, आप युद्ध लड़िए आप क्षत्रिय मान लिए जाएंगे, आप ज्ञान बांटिए आप ब्राह्मण कहला दिए जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब तक पॉलिटिक्स खेलेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे जब तक इनको इनकी पावर मिल रही है उनसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता है जो आँख बंद करके इसलिए इनके पीछे खड़ी है कि ये हमारे लिए खड़ा है, दुनिया से लड़ रहा है। नहीं भाई, जाग जाओ, बहुत अच्छे से आँख खोल के देखो। और मुझे अगर कोई दलित देख रहा है जो अपने आप को दलित मानता है, मैं नहीं मानता उसको दलित, मैं साफ साफ कह रहा हूँ मैं नहीं मानता उसको दलित, वो कमेंट ने मुझे बताया कि इस आदमी ने हमें जब जब रिप्रेजेंट किया, हमारे भले की जब जब बात की है, तो हमारा ये भला हुआ है, सरकारों ने हमें ये सुविधाएं दी हैं, इसने हमें सेंटर से उठा के सुविधा ला के हमें अप्रोच कराई है, इसने हमें इस स्कीम के तहत फ़ायदा दिलाया है, या हमारे लिए ये बातें उठाई हैं जिससे हमें फ़ायदा मिला है, या हमारा एक बहुत बड़ा समाज अपलिफ्ट हो चुका है और मेन स्ट्रीम में आ गया है। ये लोग कभी नहीं करेंगे, इनकी पावर तब तक है, और ये बात ये अच्छे से जानते हैं, इनकी पावर तब तक है जब तक ये आपको वहीं रहने देंगे जहाँ पे आप हैं, वरना फिर लड़ाई का मुद्दा ही खत्म, सोच के देखिए। दूसरी चीज़ ये रही बात ये गाली गलौज, महिलाओं को जलील करना, उनको गालियाँ देना, नहीं, ये गाली इसलिए नहीं देते। एक इसका इंटरव्यू देखा था मैंने, किस वो भी यूट्यूब चैनल ही है, वहाँ पर बहुत सभ्य बनने की कोशिश कि मैं नहीं, बुरे शब्दों का यूज़ नहीं करता, दोनों लोग खटिया पे बैठे हुए थे कहीं, अब याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को याद होगा आप कमेंट बता सकते हैं, वहाँ बहुत सभ्य बनने की कोशिश कर रहा था वो रावण। लेकिन ये लोग गालियाँ तब देते हैं ना जब इनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, एक पीक तक पहुँच जाती है और इनके पास कोई तर्क नहीं होता। आप किसी को फैक्चुअली गलत करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से धरती से लेके सन तक की दूरी ये डैश 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 है, ठीक है, मैंने कहा कि जैसे हनुमान चालीसा में धरती से लेके सन तक की जो डिस्टेंस थी वो नाप दी गई थी पहले से और साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु यानी सन, ये एक यूनिट्स हैं, ये एक नंबर्स हैं जो सन का डिस्टेंस बताते हैं कि वहाँ तक सन है। अब आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट, अगर आप मुसलमान हैं, आप कुछ और हैं, आप कहते हैं अरे ये तो कम्युनल हो गया, कैसे सन की दूरी को तुमने रिलीजन से कैसे जोड़ दिया, रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं, ये तो संस्कृत एक भाषा है, भाषा में कुछ लिखा हुआ आंकड़ा लिखा हुआ है, हमने अगर बहुत पहले जान लिया, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी, हमारी संस्कृति में साइंटिफिक चीज़ें भरी पड़ी थी, हम लोग सब कुछ साइंस से मैनेज करते थे, जब कुछ लोगों ने फेथ के नाम पर वो आडंबर करना शुरू कर दिया तो थोड़ा लोग वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो आपको हमारे रिच कल्चर से जलन होगी, आप उसको फ्रस्ट्रेशन में आके हमें कम्युनल होने का आरोप लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो आप मुझे फैक्चुअली गलत साबित करिए नंबर्स देके। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से वहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है, आप मुझे प्रूफ करिए कि वो 10 किलोमीटर कैसे है या कैसे नहीं है, आप बताइए ना, लेकिन नहीं, ये अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं। लेकिन वही अब नज़र आ जाता है, अब केस तो ऐसे इनके ऊपर कईयों दर्ज होते हैं, कितनी कार्रवाई होती है, कितने से ये बच जाते हैं, कितनों की लोग अपना विक्टिम कार्ड खेलने आ जाते हैं। अब ये देखना, ये जब फंसने वाला होगा तो रोते रोते या जैसे भी अपने लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि इनके अपने लोग डिसाइडेड हैं ये कौन है, ये पूरे समाज का नेता नहीं है, ये चुने हुए दलितों का नेता है, दलितों ने इसको नहीं चुना, इसने चुना कि मैं इस समाज का नेता हूँ बस, और जाके उनके पास कहेगा कि देखो जैसे तुम्हारे साथ इन लोगों ने गलत किया, मेरे साथ भी गलत करना चाहते हैं, मैं तुम्हारी आवाज़ बन के खड़ा हूँ, ये मुझे दबाना चाहते हैं,
आप जिस दिन इसकी ये बेवकूफ़ी समझ गए और पकड़ लिया कि भैया हम तुमको अपना लीडर और नहीं मानते, तुमने जितना हमारा काटा है हमें और नहीं कटवाना, अपने काम से काम रखो, हमारा लीडर वही होगा जो स्टेट का सीएम है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो लीडर्स वही होते हैं ना जो हमें डेमोक्रेटिकली हम चूज़ करते हैं वोट देके। ये कौन होता है कि कहीं से भी उठ के आ जाए और ये कह दे कि मैं लीडर हूँ और मैं तुम ही लोगों का हूँ, मैं बहुत बड़ी आबादी का नहीं हूँ। अगर कह दो कि अगर लखनऊ शहर में 1 लाख दलित रहते हैं अगर, और 2 लाख 3 लाख अगर ब्राह्मण रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो क्या वो सिर्फ 1 लाख दलितों तक सीमित रहेगा तभी लीडर कहलाएगा? लीडर मतलब पूरे समाज का लीडर होता है, एक वर्ग का नहीं होता। और अगर भेदभाव ये उसी लेवल से कर रहा है तो ये लीडर कहलाने के लायक है ही नहीं। आप समझिए, जल्दी जाग जाएंगे तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, अपलिफ्ट हो जाएंगे, वरना इनके पीछे पीछे दो मिला के आपको क्या मिला है कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।